शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं अभी भी अकेला हूँ, कसम से बोल रहा हूँ। आप भी कसम से। बिग ब्रदर, मेरी छोटी सी प्यारी सी काली बहन। भैया, अरे भैया, लव यू। हे माँ, 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 माँ। Oh my God, you're looking beautiful. How are you? कैसा है मेरा बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। देखो तो इसे, मेरी फूल जैसी बहन का दुल्हन बनने का वक्त इतनी जल्दी आ गया। कितनी सुंदर थी। अरे हाथों में मेहंदी भी लग गई। भगवान करे इन हथेलियों में खुशियों का भंडार हमेशा हमेशा के लिए भरा रहे। थैंक्स भैया। पापा कहाँ है? पापा मैं ढूंढ लूंगा, आप यहीं रहो। ओके। नहीं सर, प्लीज सर, ये फ्लैट, गाड़ी, नौकर चाकर, अचानक बेवजह मेरी तनख्वाह इतनी बढ़ा देना, सर मुझ पर इतना मेहरबान भी मत होइए कि मुझे लगे कि आप मुझ पर दया कर रहे हैं। सर मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं प्रीति को बहुत खुश रखूंगा, उसे पलकों पर बिठा के रखूंगा सर, लेकिन मैं सेल्फ मेड आदमी बनना चाहता हूँ और अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहता सर। देखो राजेश, अगर मैं प्रीति की शादी किसी बड़े खानदान में करता तो मैं तो यही उम्मीद रखता कि वो उसे अपने घर में एक बेटी के समान रखे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी हमारे घर में एक दामाद की तरह नहीं बल्कि मेरी एक और बेटी की तरह रहो, हमारे परिवार का एक सदस्य बनकर हमारी हंसी खुशी, हमारे दुख दर्द बांटते हुए? भगवान मुझे अनाथ को इतनी खुशी क्यों दे रहा है सर? माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते, नाते, ये सब बस कुछ लफ्ज ही थे मेरे लिए, इनके मायने तक नहीं जानता था मैं। सर मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस जन्म में मैं इन सब रिश्तों को पा रहा हूं सर। ए पापा, व्हाट अ चॉइस, जस्ट लुक एट हिम। राजेश से अच्छा प्रीति के लिए लड़का तो मिल ही नहीं सकता, कम से कम इस दुनिया में तो हो नहीं सकता। बाय द वे, आई एम माय फादर्स सन। आप हमारे मम्मी पापा की पसंद हो, प्रीति का प्यार हो और आज से हमारे यार हो। Hey man, I'm so happy. आइए आइए डॉक्टर साहब, नमस्ते भाभी जी, अंदर आइए 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 आइए। हंसते हंसते मेरे जबड़े दर्द करने लगे, ये जीजा जी ने भी मुझे ऐसे काम पर लगा दिया। जाम इनकार इनकार। ओ मेरी जुम्मा, कितना तरसाई कि दे दे चुम्मा। क्या? अब मेरा मतलब है तू मेरी बॉबी है, तू मेरी नूरी है, तू मेरी जूली है। ओ मेरी जान, तुझ पे ये दिल कुर्बान। चल हट कामचोर, जंगली जानवर जल्लाद, कालिया, सड़क छाप मजनू चांडाल। ए संग दिल सनम, सहेंगे हम तेरा हर सितम, सनम तेरी कसम, हम दिल दे चुके सनम। अरे गवार, अनपढ़ अनाड़ी, लोफर मवाली, पगला कहीं का, सलमान देखता रह गया, देवगन ऐश्वर्य ले गया। ना जी ना, ना तो ये संगम है जी, ना तो ये साजन है, ना ये रंगीला है, ना दिल तो पागल है, ना तो ये लव ट्रायंगल है, ये तो सीधी सादी प्योर लव स्टोरी है। हीर राजा, श्री फरहाद, रोमियो एंड जूलियट, लड्डू एंड स्वीटी। अरे अक्कल के दुश्मन, ये जितने नाम तुमने गिना है ना, इनमें से किसी की शादी नहीं हुई। ऊपर से कोई जहर खा के मरा, कोई पत्थर खा के। माफ करना, मुझे नहीं मरना है। दिल में कुछ कुछ होता है। फिर मैंने प्यार किया। फिर प्यार झुकता नहीं। फिर हम किसी से कम नहीं। फिर मैं तुम्हारा राजा हिंदुस्तानी। फिर दिल वाले दुल्हनिया को ले जाएंगे। फिर अरे ये तो फिर पेट की हुई है, सब सुपर हिट फिल्म थी के नहीं? तो आधी क्या खंडाला, जा पहले जाके ठंडाला। ठंडा? आप सब लोग मेरी बेटी की शादी में शरीक हुए, मेहमान नवाजी की, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका ये कर्ज मैं सिर्फ धन्यवाद बोलकर चुकता नहीं कर सकता। साहब ये सब बोलकर आप हमें अपने से दूर करना चाहते हैं? जी।
क्या आपके ऐसा राम कभी भूल सकते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, हम लोगों के परिवार में जब किसी की भी बेटी की शादी होती है तो माँ बाप तो सिर्फ कन्यादान ही करते हैं, बाकी सारी जिम्मेदारी तो आप खुद अपने सर पर ले लेते हैं साहब। आज हमारी बच्ची की शादी है, हमें अपना धर्म पूरा कर लेने दीजिए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 बाबू बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तो एक जिम्मेदारी आज पूरी हो जाएगी, लेकिन आपके घर की जिम्मेदारी जो है वो अभी भी बाकी है। कांग्रेचुलेशंस विजय बाबू। थैंक यू, थैंक यू। मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा साथ में है तुम्हारे। एक दोस्त होने के नाते हिदायत देना चाहता हूँ। बोलो क्या बात। इतनी शान और शौकत के साथ बेटी की शादी कर रहे हो, बिजनेस कम्युनिटी को तो जानते ही हो, दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है। अगर इस बात पर किसी की आंख खटक गई ना तो कभी भी मात देने की कोशिश करेगा। देखो ब्रिज, जो आज तक हमें शतरंज में शह नहीं दे सके वो हमें बिजनेस में क्या मात देंगे। <Excuse me, I'll just laughs> तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर की शादी में आई हूँ। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और उसकी सिस्टर मेरी बेस्ट सिस्टर्स हैं। तुम जैसा जाहिल आदमी इतनी अच्छी खानदान में कैसे पैदा हो गए? भगवान की मर्जी से। हाय निशा। और वैसे भी जैसे तुम जाहिल कह रही हो, कभी तुमने खुद अपने आप को देखा है? कितनी खामियां तुम में। मुझे तो कोई दिखाई नहीं देती। सो लेट्स काउंट इट। सबसे पहले कितनी जिद्दी हो तुम, दूसरी कितनी गुस्सैल हो, एंग्री यंग वुमन, तीसरी कितनी बदमाश हो, चौथी अपने बाप के पैसों की नुमाइश करने का बहुत शौक है तुम्हें, और पांचवी कपड़े पहनने की तो तमीज ही बिल्कुल नहीं। और तुमने कभी अपनी तरफ गौर किया है? खामियां ही खामियां दिखाई देंगी। एक दो जरा पेश करेंगी। हाँ तो गिनो। हाँ बोलो। पहले तो तुम अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हो। क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, ब्रिलियंट हूँ, वो तो मैं समझूंगा ही, और वैसे भी बेवकूफों को मैं ओवर स्मार्ट ही नजर आता। तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं। एक काम करते हैं, माइक पर अनाउंस करवा देते हैं, इस बात का एक भी गवाह मिला तो कसम से किसी भी लड़की से बात नहीं करूंगा जिंदगी में, आपकी कसम। तुम जरूरत से ज्यादा लंबे हो। विरासत में मिली मुझे, हेरिडिटरी है। आगे बोलो। अच्छा इस बार गुस्से में मत बोलना। बोलती हूँ, जरा मुझे सोचने का वक्त। I'm waiting. Just get out of here. पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, कोई खामियां है ही नहीं इसमें। He's just perfect. वो तो मैं हूँ।